गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, टुडे वी आर डिस्कस टू टॉपिक सेब. ओके, आज हम लोग सेब के बारे में डिस्कस करेंगे. स्टेट एंड कर्व लाइन. स्टेट लाइन क्या होता है? अगर आप अपने फ्रेंड के सहारे से एक स्ट्रिंग टाइटली एक खींचते हो या टाइटली रखते हो, सो उसे हम स्टेट लाइन बोलेंगे, जैसा कि आपके फिगर में दे रखा है. सो आप देखिए, देखिए, और अगर लूज स्ट्रिंग रखोगे तो वो एक कर्व बनाएगा. ओके, उसे हम कर्व बोलेंगे. सो उसे हम कर्व लाइन बोलेंगे. ठीक है, तो स्टेट के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि लेदर, इनवलप, अडो. और कर्व के एग्जांपल हैं स्पाइडर वेव, कर्व रोड एंड अ रोप. ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टेट लाइन. स्टेट लाइन के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि वर्टिकल और स्टैंडिंग लाइन. आप वर्टिकल भी बोल सकते हो, स्टैंडिंग लाइन भी बोल सकते हो. सेकंड, हॉरिजेंटल और स्लिपिंग लाइन. ओके, और तीसरा है स्लोपिंग लाइन या स्लांटिंग लाइन. यानी तीन तरीके के स्ट्रेट लाइन होते हैं. वर्टिकल, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लैग मास्ट दिया है, तो फ्लैग का जो ये डंडी होता है वो क्या होता है? वर्टिकल होता है. ओके, नेक्स्ट हॉरिजेंटल, इट मीन्स ये जो विंडो दिया है इसका जो ये चीज़ है ये क्या है? हॉरिजेंटल है. ये वर्टिकल होता है एंड जो ऐसे रखा है वो हॉरिजेंटल है. अगर ऐसे है तो वर्टिकल और ऐसे है तो हॉरिजेंटल. ओके, नेक्स्ट आता है स्लोपिंग लाइन. तो स्लोपिंग लाइन्स मीन्स एज अ ट्राइंगल, है ना, ऐसे ट्राइंगल बनता है. सो ये स्लोपिंग लाइन है. ओके, सो ये अच्छे से कॉपी में आप, सो यहाँ बोल रहा है हाउ टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. कैसे आप ड्रॉ करोगे स्ट्रेट लाइन को? ठीक है, द ईस्ट वे टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन इज़ बाय यूजिंग अ रूलर. यानी आपको रूलर का यूज़ करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है. लेट अस लर्न हाउ टू डू इट. सो फर्स्ट स्टेप, कीप अ रूलर ऑन अ सीट ऑफ पेपर एंड विथ योर पेंसिल मार्क द स्टार्टिंग पॉइंट. एक पेपर पे आप अपना रूलर रखोगे और मार्क करोगे पेंसिल को जीरो पॉइंट से. सेकेंड स्टेप में मूव द पेंसिल अलोंग द अपर एड्स ऑफ द रूलर टिल एनी अदर पॉइंट अलोंग द एड्स. दिस पॉइंट इज कॉल्ड एंड पॉइंट ऑफ द ड्रॉ. अब अगर आपको 5 सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर का कोई लाइन ड्रॉ करना है तो जीरो से रख के ये ऊपर से 9 तक ड्रॉ करोगे, ये आपका एंड पॉइंट हो जाएगा. ओके, सो ये आपका स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया. ओके, सो एक्सरसाइज 10 है, आप ट्राई करिएगा सारे क्वेश्चंस को करने में. और मैंने जो भी अभी आपको पढ़ाया उसे अच्छे से रीड करिएगा, सो आप एक्सरसाइज 10 ए भी कर पाओगे. ओके, ओके, बाय.